अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उफक दी स्मार्ट ब्लॉगर। और जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल था, पाकिस्तान हार गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट करी। बाद में जो स्कीपर हैं बाबर आजम, उन्होंने भी बहुत अच्छा मोटिवेट किया अपने टीम के लड़कों को। पेन सबको है, सबको दुख है कि हमने कहाँ गलत किया और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए था। ये हमकी कोई भी नहीं बताएगा, सबको पता। साथ अगर साथ इससे हमने सीखना कोच है ने भी, मैथ्यू एडन ने और दूसरे जो लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा अच्छे तरीके से टीम टीम की तारीफ करी और उनके हौसले बुलंद किए। सकलेन मुश्ताक ने टीम को एक जैन होने का तरीका बताया, मोटिवेट किया, क्योंकि डिसाइड हमसे ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि हमारे चैंपियंस हैं ये और हमें इन पर फ़ख्र है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं और हीरो की तरह ही फाइट की है और बहुत फाइट करी है और बहुत अच्छा खेल पेश किया उन्होंने। हमारे शाहिनों ने इतना अच्छा खेल पेश करा कि दिल जीत लिए पाकिस्तानियों के। शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी और हम वन साइडेड मैच नहीं हारे इंडिया की तरह। ऐसे ही क्रिकेट, इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने अच्छी बात नहीं है, बस हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि ये सकलेन मुश्ताक लेजेंड है हमारे, ये सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सीख के कैसे जाए, अब सीखने से मुराद ये है कि जो तुम लोग दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती में और ज्यादा दोस्ती हो, तुम्हारे जोड़ में और ज्यादा जो है ना वो जोड़ आ जाए, तुम्हारे दिल और यूनाइटेड, तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर फेथ और ज्यादा बढ़े, तो ये सीख के जाओ। तुम लड़े इकट्ठे और फिर आगे और किस तरह लड़ते चले जाओ। विन एंड लूज, ये जो हमारी टीम खेली बहुत अच्छा है, ऐसी बना इसकी तारीफ तो बनती है। सेमीफाइनल के अंदर हार भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसको सपोर्ट करना है कि ये आगे भी इसी तरह जेल होके खेलते रहें और हमें खुशियाँ देते रहें। और सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान के 90% जो पाकिस्तान के चांस थे जीतने के आखिर तक। लोग बोले कि भाई हसन अली ने क्या छोड़ दिया इसलिए हार गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम ने भी बोला है कि हमें किसी एक शख्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम सबकी गलतियों और हम सबको पता है, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने तो। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो पाकिस्तानी टीम ने पाँच मैच जीते और पाँचों में पाकिस्तान मैन ऑफ द मैच रहा। अलग अलग मतलब कि हर कोई अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहा था, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर चीज़ में, ऐसी कोई बात नहीं है। और टीम के जो बड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से जेल करके टीम को चल रहे हैं और इंशाल्लाह टीम को आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए। उन लोगों ने भी पाकिस्तान को बदनाम करके पाकिस्तान को एक थकी हुई टीम, अच्छी टीम बना दिया था, उनको पता चल गया और मैच भी नहीं खेल रहे थे फिर उसके साथ, तो उनको लग पता गया है कि पाकिस्तान टीम क्या है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है क्रिकेट के अंदर, और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता पाकिस्तान जीतता है तो। अभी पाकिस्तान की फतवाहत ने पाकिस्तान को एक चैल कर दिया था, हमें खुशी कम मिलती है, तो हमारी तो दुआ यही रहेगी पाकिस्तान के लिए कि वो आगे भी इसी तरह जीतते रहे और हम खुश होते रहें। तो इसलिए दोस्तों वो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।